Hello friends, welcome to Mission IAS. Now friends, in this video you are going to learn most expected MCQ for your upcoming prelim exam 2021 that will is going to be held on 27th June 2021. Okay, 27 June ke prelim mein agar aap baithne ja rahe ho to is video ko dekhiye, isme se ek se do question to aapke prelim mein aa sakte hai. So the first question, ये 45 क्वेश्चन है हमारी सीरीज़ का. अगर पिछले क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में, इस वीडियो के अंत होते ही वो वीडियो देख सकते हो. विच आर द थ्री कॉन्वेंशन अडॉप्टेड एट द रियो अर्थ समिट इन 1992. सो मिनामाटा कन्वेंशन, रामसार कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, फोर्थ कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, फिफ्थ UNFCCC. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस, यू कैन पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर इन कमेंट. इसका आंसर है बी 3, 4, 5. मिनामाटा और रामसार कन्वेंशन जो है, मिनामाटा इज़ फॉर रिलेटेड टू मर्क्यूरी एंड रामसार इज़ ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन. सो ये दोनों को छोड़ के 3, 4, 5 स्टेटमेंट सही राइट है. राइट, यू कैन सी द थ्री कन्वेंशन अडॉप्टेड एट द रियो अर्थ समिट इन 1992, कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ये तीनों कन्वेंशन रियो अर्थ समिट 1992 में लिए गए. सो मूविंग फॉरवर्ड, UPSC एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी CSE सिविल सर्विस एग्जाम मेंटर वर्कशॉप इन एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप. इस वर्कशॉप में देश की जानी मानी हस्तियों के साथ अनअकैडमी आपके अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर UPSC से संबंधित टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है. इन क्लासेस से आपकी UPSC की तैयारी और भी पक्की और मजबूत होगी. आप अपने गोल को और करीब पाओगे. इस मेंटर वर्कशॉप में जो अगली क्लास होने वाली है, जो कि मेंस एसे राइटिंग के लिए होगी, ये जो टॉपिक है अर्बन क्राइसिस इन इंडिया, ये मेन मुद्दा होगा. इस पे UPSC आने वाले मेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है. राइट, जिसमें फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सुनीता नारायण, जिन्हें आप इनका फोटो देख रहे हो, ये सुनीता नारायण हैं जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और उनके साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर सुदर्शन गुर्जर अर्बन क्राइसिस इन इंडिया, यानी कि भारत में शहरी संकट. अर्बन क्राइसिस आप देखो कि सलम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन भी तेज़ी से बढ़ रहा है. व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे जो प्रॉब्लम है उसको कैसे बहुत ही अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से इन अ गुड प्रेजेंट करके लिखा जाए ऐसे, और उसमें जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सोल्यूशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो आपको बताएगी. राइट, सो अर्बन क्राइसिस इन इंडिया, यानी भारत में शहरी संकट पे डिस्कशन करेंगे. ये जो क्लास है वो दिसंबर 11 शाम में 5 बजे होने वाली है. इससे आप अपनी UPSC मेंस की प्रिपरेशन को और भी पक्का कर सकते हो, और क्लासेस को लाइव देखकर, क्योंकि ये क्लासेस लाइव होने वाली है, आप अपने डाउट, जो भी डाउट्स और क्वेरीज हैं, उनसे लाइव पूछ सकते हो, आपको रियल टाइम आंसर देगी. तो बिना देरी किए हुए जल्दी से इनरोल कीजिए. डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है. इनरोल करने के लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप रजिस्टर करना है, और अपना गोल UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है. राइट, और उसके बाद अगर आपसे कोड पूछता है, वहाँ पे कोड पूछेगा, तो आपको MIYT10 डालना है, जिससे आप अनअकैडमी पे फ्री एक्सेस, ये फ्री लाइक क्लासेस देख सकते हो. इसके साथ बहुत ही अनअकैडमी पे बहुत ही बेहतरीन UPSC के क्रैश कोर्सेज बने हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, स्टैटिक और डायनेमिक टॉपिक्स पर, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोड का यूज़ करके आप एक्सेस कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेनिफिट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल स्कीम्स रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर क्रॉप स्पेसिफिक. ये तीनों ही स्कीम किसानों के लिए है, लेकिन क्रॉप स्पेसिफिक कौन सी है. फर्स्ट, प्रधानमंत्री किसान, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. सेकेंड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. एंड थर्ड, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना. देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है, ये जो है किसानों के लिए पेंशन स्कीम है, और जो फर्स्ट जो है किसानों के लिए हेल्प करना है. राइट, क्रॉप स्पेसिफिक नहीं है. राइट, तो
जो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। यू कैन रीड इट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इज अ फर्स्ट यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप ऑफ स्कीम टारगेटेड टुवर्ड द फार्मर। यानी कि आपने सुना होगा लास्ट ईयर से मोदी गवर्नमेंट ने किसानों को साल का 6000 रुपया देना स्टार्ट किया है, तो ये योजना है यानी किसान को यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कम से कम उनको 6000 रुपया साल का दिया जाए पर ईयर, विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिली अक्रॉस द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंड एंड साइज एंड क्रॉप टाइप। उसका लैंड कितना भी बड़ा हो या उनके कितनी भी इनकम हो रही हो, क्रॉप के जो भी उगा रहे हो, बिना भेदभाव किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर ब्रॉड ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ द वॉल विलियम बैंटिक एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विलियम बैंटिक एक बहुत ही अच्छे गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के, उन्होंने बहुत अच्छे काम किया, जैसे कि सती को रिफॉर्म किया। फर्स्ट स्टेटमेंट, द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी वर एंडेड। सेकेंड, द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। थर्ड, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। So the correct answer is C, the activities of East India Company as the commercial body were ended. William Bendick ने किया। उसके बाद third जो है, the Governor General of Bengal was made the Governor General of India। आपने लक्ष्मीकांत के starting chapter में देखे गए features of Indian Constitution, तो उसमें आपको मिल जाएगा, right? तो लेकिन जो second statement है वो wrong है। The local representation in the Central Legislative Council was introduced for the first time in Charter Act। चार्टर एक्ट में हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पर 1853 में हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द D10 क्लब रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इट रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ, इट इज D10 क्लब रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू द कंट्रीज एमिंग टू क्रिएट द अल्टरनेटिव सप्लायर्स ऑफ 5G इक्विपमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू अवॉइड रिलाइंग ऑन चाइना। सो द UK गवर्नमेंट हैज़ अप्रोच द US विद रिस्पेक्ट टू ऑफ क्रिएटिंग अ 5G क्लब ऑफ 10 डेमोक्रेसीज इंक्लूडिंग इंडिया। सो D10 क्लब में 5-10 कंट्री है जिसमें इंडिया भी है। इनका मेन मकसद है कि जो 5G आप लॉन्च होने वाला है तो उसमें जो इक्विपमेंट लगने वाले हैं तो वो बिना चाइना पे निर्भर डिपेंड रहते हुए दूसरे कंट्री से एक्सेस किया जाए। तो इनमें UK, US, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा प्लस ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया विल एम टू क्रिएट अल्टरनेटिव सप्लायर्स ऑफ 5G इक्विपमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू अवॉइड रिलाइंग ऑन चाइना। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक। MSP इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट कॉस्ट ओनली। It is recommended by the Commission for Agriculture Cost and Price. Third, it is determined by the state governments to ensure the agriculture producer against any sharp fall in farm prices. So now look at the third statement. Third statement, तो it ensure, मतलब insurance है क्या? नहीं, ये बिल्कुल wrong है, right? और फर्स्ट स्टेटमेंट, MSP इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट कॉस्ट ओनली, नो ये भी रॉन्ग है। नॉट ओनली इनपुट कॉस्ट, बाकी जो बीच में उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा, सब पे है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट उनको अगर आपने रिमूव करा तो आपका ए और बी ख़त्म हो जाता है, या तो सी आंसर है या डी आंसर है, राइट। लेकिन डी भी आप देखा तो ये इंश्योरेंस नहीं है, तो इंश्योर करने के लिए नहीं। तो ओनली स्टेटमेंट टू इज़ करेक्ट, इट इज़ रिकमेंडेड बाय द MSP इज़ रिकमेंडेड बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, राइट। तो आंसर डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज़ करेक्ट। यू कैन रीड हियर, इट इज़ फॉर्मुलेटिंग रिकमेंडेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड अदर नॉन प्राइस मेजर। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस टेक्स इन टू अकाउंट, अपार्ट फ्रॉम अ कॉम्प्रेंसिव व्यू ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज। सो इट इज़ रिकमेंडेड बाय द CACP while approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, MSP रिकमेंड की जाती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, लेकिन अप्रूव्ड की किसके जरिए हो रहा है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द MSP एंड रिकमेंडेड बाय द CACP, इस पर भी स्टेटमेंट बन सकता है, राइट। सो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, राइट, यू कैन रीड हेयर। एंड वाइल स्टेट्स में, स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट, वाइल स्टेट्स में डिक्लेयर द बोनस ऑन एंड अबो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, स्टेट गवर्नमेंट उस पर बोनस दे सकता है ऊपर बढ़ा के। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैस्पियन सी इज बॉर्डर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कैस्पियन सी लाइक ये मेडिटेरेनियन सी के करीब आता है, सो इट्स आंसर इज 1 रशिया, अजबेज तजाकिस्तान डू नॉट शेयर द बॉर्डर,
अजरबैजान एंड ईरान, 1, 3 and 4 ओनली. सो द आंसर इज डी, राइट. यूक्रेन शेयर नहीं करता है. तो कैस्पियन सी इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न एशिया ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ यूरोप, राइट, एंड इज द लार्जेस्ट लेक ऑन द प्लैनेट. कैस्पियन सी एक्चुअली इज द लार्जेस्ट लेक ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, एंड द कंट्रीज ऑफ अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान बॉर्डर द सी, एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स आर रिप्लेट अलॉन्ग द एजेस ऑफ द सी. सो द वर्ल्ड प्रेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज पब्लिश बाय, यू कैन पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर इन कमेंट. इट्स आंसर इज रिपोर्ट्स, सॉरी, वर्ल्ड प्रेस काउंसिल. द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज पब्लिश बाय द वर्ल्ड प्रेस काउंसिल, ऑप्शन बी इज करेक्ट. हैज पब्लिश एवरी ईयर सिंस 2002 बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज एन इंपॉर्टेंट एडवोकेसी टूल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इमोलेशन बिटवीन स्टेट्स बिकॉज इट इज वेल नोन इट्स इन्फ्लुएंस ओवर गवर्नमेंट इज ग्रोइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट क्या है जिसकी वजह से RBI मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, टैक्स वेवर, स्मॉल सेविंग स्कीम, सब्सिडीज, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. सो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम ये आ सकता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आएगा, है ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF. सो 1, 2 and 6. सो नाउ, सो द 1, 2 and 6 इज इन ऑप्शन ए बिकॉज देखिए टैक्स है, स्मॉल सेविंग है, सब्सिडीज है, ये मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी है, राइट. सो 1, 2 and 6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ मेंटेन टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग द माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ. इन मे 2016 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 वॉज अमेंडेड टू प्रोवाइड अ स्टैच्यूरी बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, राइट. So I hope you understand and you like this video. Definitely you will like this video because it definitely will help in your upcoming prelim exam. So इसको ज़्यादा से ज़्यादा like करो, share करो, ताकि more and more students, more and more IAS aspirants will be benefited.